चलिए अब आपको बताते हैं खेल के मैदान से भी एक खबर, जहां पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया में चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया था, लेकिन इन सब के बीच में बीसीसीआई को नया अब अध्यक्ष मिलेगा। सौरव गांगुली जिनका कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, बीसीसीआई को नया अध्यक्ष मिलेगा और वो होंगे रॉजर बिनी। पूर्व खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड कप जब 1983 में भारत ने जीता था तो उस समय भी विश्व विजेता टीम का हिस्सा थे कपिल देव की अगुवाई में जब भारतीय टीम खेल रही थी। और जानकारी अनुसार सौरव गांगुली की जगह रॉजर बिनी लेंगे। आशीष शोलर जो कि बताया जाता है कि बोर्ड के नए कोषाध्यक्ष होंगे और रॉजर बिनी 18 अक्टूबर को ये जिम्मेदारी संभालेंगे, पदभार संभालने जा रहे हैं। और 1983 के विश्व कप विजेता टीम के नायक रहे रॉजर बिनी का सौरव गांगुली की जगह भारतीय क्रिकेट बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया यानी बीसीसीआई का अध्यक्ष बनना अब साफ हो गया है। गांगुली पिछले 3 वर्षों से बीसीसीआई अध्यक्ष थे और वे 18 अक्टूबर को होने वाली बोर्ड की वार्षिक जो आम बैठक है AGM, इसमें बिन्नी के लिए अपना पद छोड़ देंगे। पिछले एक सप्ताह से चल रही जो गहमा गहमी थी इसके बाद यह फैसला किया गया है कि बेंगलुरु के रहने वाले 67 वर्षीय रॉजर बिनी बोर्ड के 36वें अध्यक्ष होंगे। स्टुअर्ट बिनी जो ऑलराउंडर हैं, इनके बेटे हैं, भारतीय टीम के लिए खेल चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए बीसीसीआई सचिव बने रहेंगे, यानी जो जिम्मेदारी पहले थी वो जिम्मेदारी पर अब भी कायम है। लेकिन गांगुली पदभार बीसीसीआई में 18 तारीख को छोड़ देंगे और 67 वर्षीय रॉजर बिनी गांगुली की जगह लेंगे। नए अध्यक्षों को की जिम्मेदारी 18 अक्टूबर को दे दी जाएगी बीसीसीआई की।